गाइस फाइनली यार मैं तो एकदम थक गया हूँ, सच बताऊँ थक गया हूँ। जवान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काउंट कर करके कि भाई साहब इसका आकार डबल डिजिट से कब नीचे उतरेगा। डबल डिजिट तुम छोड़ दो भाई साहब, 20-30 करोड़ से तो नीचे उतरने में बात ही नहीं कर रहा। मतलब अच्छा 11 दिन हो चुका और भाई साहब 11 दिन का फाइनली वर्ल्ड वाइड और इंडिया का सारा कुछ ग्रॉस कलेक्शन आ चुका। और इस वीडियो में हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि भाई साहब पठान ने 11 दिन में कितने रुपये कमाए थे और यहाँ पर जवान का क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा डेटा लीक के रखा हुआ है, तो एक बैक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे D11 मतलब कल का जो दिन था, संडे का दिन, मतलब इंडिया से कितना कलेक्शन आया और ये सारा कुछ नेट पे होगा, मतलब नेट कलेक्शन है। तो हिंदी से जो कलेक्शन आया था 34 करोड़ 26 लाख रुपए संडे का। उसके बाद से बात करें तमिल में, तो तमिल में भाई साहब 1 करोड़ 11 लाख रुपए। अब बात करते हैं तेलुगु के बारे में, तो भाई तेलुगु में आया था 1 करोड़ 48 लाख रुपए। तो तेलुगु में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिला। अब अगर लोग बात करते हैं अगर टोटल संडे का D11 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जवान का नेट में, तो टोटल है 36 करोड़ 85 लाख रुपए। सोचो D11 में भी भाई साहब ये मूवी 36 करोड़ 85 लाख रुपए कमा रही। अब अगर हम लोग वही ग्रॉस पे बात करते हैं तो इसका टोटल ग्रॉस D11 का था 44 करोड़ रुपए। अब हम लोग बात करते ओवरसीज से इसने कल कितना कमाया, तो टोटल कमाया 19 करोड़ रुपये के आसपास ग्रॉस से कमाया। अब अगर हम लोग टोटल वर्ल्ड वाइड D11 का बात करते हैं तो 63 करोड़ रुपए इसने D11 में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कमाया। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई साहब D11 में इसने टोटल D11 में कितना कमाया अभी तक, ठीक है। तो नेट कलेक्शन जो निकल के आता है 11 डेज का भाई साहब जवान का इंडिया का 477 करोड़ 63 लाख रुपए। उसके बाद से ग्रॉस कलेक्शन आता है 11 डेज का 574 करोड़ 30 लाख रुपए। अब हम लोग ओवरसीज से देखते हैं भाई साहब 11 डेज में कितना है, तो 11 डेज में ओवरसीज से आता है 286 करोड़ रुपए 11 डेज में ओवरसीज से सिर्फ जवान का। अब हम लोग बात करते हैं भाई साहब 11 डेज में वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन कितना आया भाई, तो 860 करोड़ 30 लाख रुपए। समझ रहे तुम 860 करोड़ 30 लाख रुपए 11 डेज में। अब चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा पठान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पठान ने भाई साहब 11 डेज में मतलब नेट कलेक्शन किया था इंडिया से 401 करोड़ 40 लाख रुपए। और यहाँ पर कितना है, कितना का डिफरेंट है, यहाँ पर है 477 करोड़ 63 लाख रुपए। तो सोचो 70 करोड़ भाई साहब छोटा मोटा अमाउंट है, 70 करोड़ जवान आगे चल रहा है पठान से। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रॉस के बारे में इंडिया से, तो ग्रॉस 11 डेज में था पठान का 481 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर जवान का कितना है, जवान का है 574 करोड़ रुपए। तो भाई साहब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिखने को मिल रहा है गैप भाई साहब ग्रॉस में। अब ओवरसीज के बारे में बात करें तो ओवरसीज में भाई साहब 11 डेज में पठान का 300 करोड़ था, लेकिन जवान का थोड़ा सा कम चल रहा है, 286 करोड़ रुपये चल रहा है। अब वर्ल्ड वाइड बात करें तो D11 डेज में पठान का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था 481 करोड़ 68 लाख रुपए, और यहां पर पठान जवान का जो चल रहा है 860 करोड़ 30 लाख रुपए। तो कितना का डिफरेंट हो गया, मतलब समझो 80 करोड़ रुपए का समथिंग डिफरेंट चल रहा है, जवान 80 करोड़ रुपए आगे चल रहा है। तो भाई मतलब सोचो अपना रिकॉर्ड खुद ही भाई साहब ने तोड़ दिया। तो समझ लो अब भाई ये जो मूवी का आंकड़ा है ना, ये मेरे को लग रहा है ना एटलीस्ट 1400 से 1500 करोड़ तो टच करेगा जिस हिसाब से ये चल रहा है। जब तक कोई बड़ी मूवी, और मेरे को लग नहीं रहा कि अभी आजकल में कोई बड़ी मूवी, एक सलार जो मूवी थी वो अगर रहती तो थोड़ा बहुत दबाव होता, लेकिन वो भी मूवी काफ़ी ज़्यादा दूर चल गई। तो हो सकता है पठान ए जवान बहुत ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन कर सकता है भाई जब इसके हाथ में 1 महीना 2 महीना तक भी ये मूवी काफ़ी अच्छा चल सकती है। सच बता रहा हूँ जिस हिसाब से इसका कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आपका क्या राय है भाई साहब कितना ये कमा सकती है टोटल जब तक ये मूवी चलेगी, कमेंट में जरूर बताना। चलो आज के वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।